हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आपका स्वागत है इस व्लॉग में और सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। आज है 22 जनवरी, अयोध्या में श्री राम जी पधारेंगे आज। और आज है सेकेंड टाइम दिवाली, मतलब जब वो टाइम था राम आए थे, आज कलयुग में भी राम आ रहे हैं। तो मज़ा ही मज़ा, और गांव को हमारे पूरी दुल्हन की तरह सजा दिया है गाइस। बहुत ही आज डायरा भी है, अभी झमड़वा चल रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में मुझे नहीं पता, झमड़वार चल रहा है अभी। वहाँ जाएंगे, प्रसादी लेंगे और आगे दिखाएंगे आपको कैसा कैसा सजाया है। अभी गांव में ही जा रहा हूँ तो आपको दिखाता हूँ कैसा सजाया है। तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली, नई हैप्पी दिवाली। और आज का दिन सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा क्योंकि आज फाइनली अयोध्या में राम जी पधारने वाले हैं। सो अभी चलते हैं गांव में और आपको दिखाता हूँ गांव का पूरा सीन, माहौल, सबके हृदय में क्या क्या भावना है, सब कुछ दिखाता हूँ। चलो तो गांव में चलते हैं। तो गाइस देख सकते हो, ये हमारा राम जी मंदिर। कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं और उस स्तर पर कोई महापुरुष हम लोगों को उपलब्ध होता है और उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है और इस प्रकार हमने 11 में एक मुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अंग का त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है अनशनीय सबसे बड़ा तप है अनशन, और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा। तो आप देख सकते हो कितनी सारी पुलिस की गाड़ियां हैं। सो आए हैं सीएम और हमने भी अभी राम जी मंदिर में दर्शन कर लिए और अभी लेने जा रहे हैं प्रसादी। सो चलते हैं फटाफट से प्रसादी लेने। तो प्रसादी लेने पूरा गांव आया है और आजू बाजू के फ्लैट और बंगले जो भी रहते हैं यहाँ पे वो सभी लोग प्रसादी लेने आए हैं। सो देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है। सो गाइस देख सकते हो अभी हमने प्रसादी ले ली है और मैं और अनिल भाई ख़त्म करेंगे अभी इस प्रसादी को फटाफट। तो ज़्यादा नहीं लिए हैं ताकि वेस्ट ना हो, क्योंकि किसी भूखे के पेट में जाए उतना अच्छा है वेस्ट होने से अच्छा। सो अभी ख़त्म करते हैं इसको। सो गाइस मैं और अनिल भाई अभी चिल करने हैं पार्लर पे। सो ये भी ख़त्म करके चलते हैं फिर वापस गांव में। सो अभी हमारा चिल आउट ख़त्म हो गया और हम अभी जा रहे हैं गाँव में। सो देख सकते हो चल के जाना पड़ रहा है क्योंकि रास्ता हमारे घर की तरफ से बंद हो गया है तो व्हीकल नहीं आ सकता, इसलिए हम लोग चल के जा रहे हैं। सो अभी चलते फटाफट। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। सो गाइज अभी भाषण ख़त्म हो गया है। सो अभी सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, अभी बाइक लेके जाएंगे। और ये है हमारे गांव का गेट, सो देख सकते हो इसको भी बहुत प्यारा सजा है, जो रात को दिखाऊंगा अभी। और देख सकते हो अभी रैली निकलने वाली है, सो थोड़ी देर में जाएंगे। तो अभी सब देख सकते हो भाई डीजे भी आ गए और सभी लोग देखो बच्चा जय जय श्री राम बोले गाय।
श्री राम। गुजराती लोग कहीं भी गरबा गुजर देते, देखो सो गाइस देख सकते हो अभी आप लोग कितना मजा आ रहा है। और हम चढ़े गेट पे हमारे, और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है, सभी लोग गरबा कर रहे हैं, हम लोग है ऊपर। तो यहाँ से मतलब कितनी सारी पब्लिक, पूरे गांव की पब्लिक जमा हो गई है। सो गाइस देख सकते हो आप सभी लोग, पब्लिक में क्रेज ज़्यादा ही है श्री भगवान राम को लेके। और ये देखिए हमारा गेट, तो पब्लिक कुछ ज़्यादा ही थी आज, मज़ा आ गया। तो अभी चलते हैं। और ये देखिए हम डीजे पे चढ़ गए थे। सो गाइस घर पे आके हमने नहा लिया है और फ्रेश हो गए, और ये खुशी और दिशु खेल रहे हैं।
सो हम भी अभी ऊपर जाएंगे और थोड़े हमारे पास पटाखे बचे हैं तो उन पटाखों को फोड़ेंगे, और जैसे कि दिवाली थी वैसे ही आज दूसरी दिवाली है तो उस तरह से हम पटाखे फोड़ेंगे। तो फटाफट से चलते भी ऊपर पटाखे लेने, और पटाखे लेके जाते बाहर जाके फोड़ते हैं। इस देख सकते हो इधर पटाखे भी फूट रहे हैं और सभी लोगों ने मतलब दीपावली की तरह दिए भी जलाए हैं। सो देख सकते हो आप सभी लोग, और वहाँ भी कुछ तारा मंदिर जैसा कुछ लग रहा, और यहाँ भी फटाके फूट रहे थे, हम भी हमारे फटाके ले लेते और चलते हैं बाहर फोड़ने। सो गाइस देख सकते हो, और यहाँ पे भी देख सकते हो दिए हैं सभी जगह मंदिर पे। तो सो अभी ये फटाका चला रहा है बच्चा, तो हम भी सोच रहे इधर ही जलाए या फिर कहीं और जाए। सुलगा कि नहीं सुलगा, धीरे धीरे सुलग रहा। ये तो चला गया। ये रहा एक छोटा वाला, ये रॉकेट तो बड़ा खतरनाक निकला, भागने का चांस नहीं दिखा ये तो। अबे ये तो ऊपर जाते ही फट गया। अब ये देखते हैं ऊपर ना डाले तो अच्छा है। अरे तो ये इधर ही फूस हो गया। तो अभी पटाखों की बारी, आगे भी फट रहे, इधर हम फोड़ रहे। हैप्पी दिवाली सबको, जय श्री राम। ले जय ले 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 आना अगरबत्ती, ले
मट्ठी चढ़ी जो के पट अभी डायरे में से अभी घर आ रहा हूँ, 1:30 बज रहे, डायरा भी ख़त्म हो गया है। सो अभी चलते हैं घर, और आज इतना मज़ा आया कि बता नहीं सकता लफ्ज़ों में, आप वीडियो देख के समझ ही सकते हो। सो अभी जा रहा हूँ घर, और आज सेकंड टाइम दिवाली थी, मज़ा आ गया बहुत ही। सो अभी आपको भी मज़ा आया हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना यार। सो गाइस अभी फाइनली आ गया हूँ घर पे, और बाहर दोस्त लोग बैठे थे तो उनके पास चला गया था, और अभी घर पे आया हूँ। पूरे दिन की थकान है तो सोऊंगा। उससे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज का दिन हमेशा याद रहेगा, मतलब बता नहीं सकता अपने दिल की फीलिंग्स को। सो अभी इस व्लॉग को करते हैं एंड। व्लॉग या जो भी लगे, मस्ती मजा जैसा भी लगे, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू गाइस।